नया बाजार वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा नवनियुक्त धनबाद फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सब्बीर आलम को किया सम्मानित। बता दें, नया बाजार वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा नवनियुक्त धनबाद फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सब्बीर आलम को नया बाजार राजेंद्र ग्राउंड में सम्मानित किया गया। सोसाइटी के सभी सदस्य समेत प्रवेश खान ने सब्बीर आलम को बूके और माला पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आलम एक अनुभवी फुटबॉल खिलाड़ी और प्रशिक्षक है। वे धनबाद में फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं सब्बीर आलम ने सोसाइटी के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि वे धनबाद फुटबॉल को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि वे सोसाइटी के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि धनबाद का फुटबॉल एक ऊंचाई तक पहुंच सके। जी बताएंगे, फुटबॉल एसोसिएशन में एक आपको नया पद दिया गया है, उसको लेकर आपको सम्मानित किया गया, क्या कुछ युवाओं के लिए नया पद होगा आपकी ओर से? सबसे पहले मैंने अपना वेलफेयर सोसाइटी खेलों का तय दिल से सम्मानित शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस पद पे अपने समाज, अपने मोहल्ले में बैठा कर सम्मानित किया है। अपने लोगों के सामने मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फुटबॉल को जो पद दिया गया, इसमें आने वाले जितने भी युवा होंगे फुटबॉल प्लेयर, उनके लिए क्या कुछ नया करेंगे और क्या प्रयास रहेगी आपकी? देखिए, अभी जो मुझे पद मिला है, जो धनबाद फुटबॉल का मैं प्रेसिडेंट बनाऊँ, तो सबसे पहले सर पे मेरा लीग था जो मैंने कल से उसका शुरुआत कर दिया। विद्या ग्राउंड में ओपनिंग हो गया और 29 को सिजवा में भी एक ओपनिंग मैच है। मैं सबसे पहले ये कुछ करूँगा, लीग चालू हो जाए, जो चालू हो गया उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टीम सर पे है कि आप लोग को पता ही होगा कि डिस्ट्रिक्ट गढ़वा में हो रहा है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट टीम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट भेजने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि अभी मैं सोच पाऊँ कि मैं जो डिस्ट्रिक्ट प्लेयर का जो लास्ट ईयर होगा मुझसे वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन के कैंप लगा के मैं उसे डिस्ट्रिक्ट टीम को भेजूँगा। और हाँ, युवाओं की बात, मैं ये आपके माध्यम से ये कमिटमेंट करना चाहता हूँ कि फुटबॉल खेलने के लिए लोग आगे आएँ, आप प्रेरित करें फुटबॉल खेलने के लिए, और फुटबॉल के लिए धनबाद में कल का मैं जो बीता हुआ उसका नहीं वादा करता हूं, आने वाला कल का बिल्कुल वादा करूंगा कि वो बहुत ही अच्छा होगा और मैं उन प्लेयरों के साथ खुद खेलता हुआ नजर आऊंगा ग्राउंड में और उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा।